नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। जेसीआई क्लब की 12वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम स्थानीय मानस भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नए अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जिसके बाद राधोगढ़ विधायक ने क्लब के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की एवं आगे उम्मीद भी जताई कि क्लब के सदस्य बच्चों में पढ़ाई को लेकर भी प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन कल व्यापक पैमाने पर गुना जिले में किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए आज जिला कलेक्टर राजेश जैन जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया, साथ ही विभिन्न दिशा निर्देश भी सिविल सर्जन एवं अन्य डॉक्टरों को दिए। विदित रहे कि कल गुना में प्रदेश भर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आ रही है, जो कि यहां पर विभिन्न तरह की बीमारियों को देखेंगे एवं उनका इलाज करेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा कंफ्यूजन कर दिया है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे 18 साल से कमाई के बच्चे अठारह साल से कम के RBS के अंतर्गत योजना जो है कुछ करना सही है। नहीं, अचानक दौरा नहीं, कल जो जिला स्तर पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने हैं विभिन्न जिलों में, उसके संबंध में तैयारियों के लिए आज दौरा किया है। कल बड़ी संख्या में जिले के मरीज आएंगे, उनमें सभी तरह के मरीज रहेंगे, चाहे कटे फटे होंठ वाले हों, क्लब फुट वाले हों, या जन्मजात गूंगे बहरे बच्चे हों, कैंसर के मरीज हों, हार्ट के मरीज हों, निसंतान महिलाएँ हों, इनके सभी का इलाज विशेष आँखों के हों, चाहे इनके विशेषज्ञ चिकित्सकों के दलों द्वारा इनका परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उनको निःशुल्क उनकी सर्जरी या अन्य जो भी चिकित्सा उन्हें वांछित है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टर बाहर से आएंगे? हाँ, विभिन्न भोपाल, अहमदाबाद, इंदौर, ग्वालियर, सभी जगह से विभिन्न तरह के डॉक्टर्स आ रहे हैं। कैंट क्षेत्र में बढ़ता अपराधों का ग्राफ, अपराधी बेखौफ, अपराधों को दे रहे हैं अंजाम, वहीं अपराध है कि रुकने का नाम नहीं लेते। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है जब बांसखेड़ी स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर देखा कि मंदिर का ताला टूटा पड़ा था, साथ ही अंदर चांदी के छत्र व अन्य चांदी का सामान चोरी था। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व भी इस मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत वहाँ की रहवासी महिलाओं ने कैंट थाने में की। इसके बाद भी आज 3री बार यहाँ पर चोरी हुई, जिसमें यहाँ भगवान का श्रृंगार का सामान चोरी हो गया जो चांदी का था। अब देखना ये होगा कि किस तरह से मंदिर में हुई चोरी को थाना प्रभारी और उनका स्टाफ कितनी जल्दी जांच पूरी कर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालता है। तो मैं चले जा, तुम बाद चालू करा, तुम जो आगे जितने भी है ना तुम आगे सर, पर तू चलना लट हाथ में ले लेना, तुम बिना लट के फिर सर। शाम को मैं पट लगा के चला गया था, सुबह आया तो मुझे ताला टूटा मिला और मेरे साथ में एक हेड साहब थे,
अपने स्वयं रघुवंश सिंह और एक वसंत कुशवाहा, उनने आके देखा कि महाराज जी ताला टूट रहा है, तो मैं पीछे एक और ताला खुला है, तो उन्होंने देखो सर क्या हुआ, उनने बताया कि महाराज जी चोरी हो गई, ये चीज़ नहीं, साथ में हम तीनों साथ ही आए। क्या क्या सामान गया है? मुकुट चला गया बालाजी सरकार का, और छत्तौर और जनेऊ चांदी के थे सर, लगभग सर 650-650 ग्राम के हुए चांदी। पहले भी हुई सर एक दो बार वारदात छोटी मोटी हुई, एक बार जी माता जी का ताला दोनों तोड़ के पीपा ओंदा करके वो दान पेटी ले गए थे, पूरी जरा ले गए थे। इसके बाद में अभी 4-5 रोज पहले भी मंदिरों का डुप्लीकेट छत्तौर लटका रखे थे, बोलेगा सर ये ओरिजिनल चांदी हमारी गई है अभी आज की रात। पहले ही का घटने का जो महिला वर्ग गई थी, हम लोग तो नहीं गए थे, और वहाँ से थाने से एक गार्ड आए थे भी अमर सिंह यादव, वो देख के चले गए थे, उनने कोई सूचना नहीं दी। यहाँ पे सुबह पुजारी जी ने पूजा के लिए जैसे ही दरवाजे खोले वो चेक किया, तो बजरंगबली के मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था। पर्दा हटा के देखा तो उस पर जो चढ़ा हुआ छत्र और मुकुट और जो जनेऊ की जो चांदी की चैन थी ये वहाँ मौजूद नहीं थे। तत्काल उन्होंने थाने पे सूचना दी और यहाँ पुलिस मौके पे आई और डॉग स्क्वाड भी आया। कुछ जगह पे आने जाने के निशान दिखे, डॉग स्क्वाड ने थोड़ा आगे तक देखा, ट्रैक करा है, कुछ रास्ता तो बता रहा है लेकिन आगे थोड़ा सा भटक गया है। अभी इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें कुछ संदेहियों के नाम आए हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी, और यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी खुला हुआ है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग बैठते हैं, तो अभी इनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनसे ही पूछताछ की जाएगी। आरोन नगर में एक मैजिक वाहन पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना आज दोपहर की बताई जा रही है, जब एक मैजिक वाहन ग्राम कालादेव की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में वह अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम आरोन निवासी रामदयाल बुनकर बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मैजिक वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। शहर में बहेगी ज्ञान की गंगा, शुरू होने जा रहा है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। उक्त कथा का आयोजन ब्रज लाडली श्री किशोरी जी सेवा समिति गुना के तत्वाधान में किया जा रहा है, जो कि 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक स्थानीय मानस भवन में संपन्न होगा। यहां कथा का वाचन श्रद्धेय श्री देवांशु गोस्वामी जी महाराज के श्रीमुख से होगा। आपको बता दें कि उक्त कथा वाचक श्री चैतन्य आश्रम वृंदावन से पधारे हुए हैं। वहीं कथा की शुरुआत को लेकर आज एक शोभा यात्रा भी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। डीजल एवं पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल एवं कांग्रेस परिवार गुना के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। उक्त धरना प्रदर्शन स्थानीय हनुमान चौराहे पर रखा गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने इस आयोजन में शिरकत की। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके एक सुरक्षा कर्मी पर हाथ उठाए जाने को भी लेकर कांग्रेसियों ने निंदा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग भी कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन में की। पार्टी को ताकत मिली है, साथ ही आम जनता में भी इस बात का संदेश पहुंचाने का प्रयास हुआ है कि देखिए 14 सालों से और देखा 3 सालों से आई जा रहा है वो किसी से छिपे नहीं है। साथियों स्वच्छ और मेगा सिटी के नाम पर मात्र यहाँ फ्लैक्स बनवा के टंगवा दिए पूरे शहर में। आयोजित किया गया है बढ़ती हुई बेहताशा, जो पेट्रोल में वृद्धि,
डीजल में वृद्धि, एक तरफ तो सरकार किसानों को पूरा लाभ नहीं दे पा रही है उनकी फसलों का, दूसरी तरफ सरकार दिन प्रतिदिन किसानों का जो पेट्रोल डीजल का बिल है वो कीमत है उसको रोज बढ़ा रही है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो अपने सुरक्षा कर्मी को जो तमाचा मारा है उसके लिए हम पुरजोर मांग करते हैं कि उसमें माफ़ी मांगे, और गुना नगर पालिका द्वारा जो है शहर में भीषण गंदगी व्याप्त है, निर्माण कार्य घटिया चल रहे हैं, सीवर लाइन का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, उसका हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अभी जो गाय गिर गई थी उसके लिए 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार जिला प्रशासन की होगी। डीजे न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।